आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार की रेसिपी, और इसे आज हम जैन स्टाइल में बनाएंगे। अदरक लहसुन और प्याज का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, फिर भी ये बहुत टेस्टी बनेगी। और इस ग्रेवी का इस्तेमाल आप और भी सब्जियों में बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कढ़ाई के अंदर लेना है 2 टीस्पून के जितना तेल। तेल को हल्का गर्म होने देंगे। इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब जीरा यानी क्यूमिन सीड और कुछ खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची। तो खड़े मसाले ज़रूर डालें इसके अंदर, नहीं तो टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। और खड़े मसालों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, गरम मसाला डालने से ज़्यादा बेटर होता है खड़े मसाले डालना। और इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए हम इस तरह से तेल में भून लेंगे, इनका फ्लेवर आने देंगे तेल के अंदर। इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो एक हरी मिर्च ली है मैंने, और यहाँ पर टमाटर हमें डालने हैं। तो 2 टमाटर को चॉप किया है बड़े बड़े पीसेस के अंदर, और इसके अंदर डाल करके हमें टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाना है। और अब हम यहाँ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितने मगज यानी कि जो मेलन सीड आते हैं, जैसे कि तरबूज खरबूजे के जो बीज होते हैं वो, और 8 से 10 भीगे हुए काजू। तो काजू और जो मगज हमने इसमें डाला है उससे जो आपकी ग्रेवी है उसमें थिकनेस आएगी, काजू से रिचनेस आएगी, और मगज का कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता है, तो आपकी ग्रेवी में कोई भी अलग से टेस्ट नहीं आएगा। 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छा कलर के लिए, और 1/2 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। और अच्छे से इन्हें भूनने देंगे, टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट और मशी होने तक हमें इसे पकाना है। तो थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे अब ढक करके पकने देंगे। तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल हमने इस्तेमाल नहीं किया है, तो ग्रेवी को बनने में जो टाइम है वो भी आधा हो जाएगा, क्योंकि प्याज को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसे पकने देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो ग्रेवी का बेस है वो अच्छे से कुक हो गया है, टमाटर बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं, हमने जो ऑयल डाला है वो भी रिलीज़ हो गया है। और अब हमें गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इसके बाद हमें इसे पीसना है, और मैं इसमें से जो खड़े मसाले हैं उन्हें निकाल रही हूँ, जैसे तेज पत्ता वगैरह, क्योंकि आप मिक्सर में डाल करके इन्हें पीस भी सकते हैं, पर कई बार ये पिसाते नहीं हैं, और इससे जो ग्रेवी का कलर है हल्का सा डार्क हो जाता है। तो अच्छी रेड कलर की ग्रेवी के लिए इसे आप निकाल दें तो अच्छा रहेगा। और ये देखिए अब मिक्सर ठंडा हो गया है, मिक्सर में डाल करके इसे पीस लेंगे। पानी की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा पानी आप इसमें डालें, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, और एकदम फाइन इसका पेस्ट बना के तैयार कर लें। तो ये देखिए हमारा जो ग्रेवी का बेस है वो बनके तैयार हो गया है। आइए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अब मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून के जितना घी, क्योंकि पनीर लबाबदार है तो घी और बटर में अच्छा लगता है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, बहुत अच्छा कलर देती है। अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च है तो आप ग्रेवी बनाते वक्त पहले डाल सकते हैं उन्हें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि जो मिर्च हमने डाली है वो जले नहीं, उसका कलर डार्क ना हो। और गैस की आंच बिल्कुल धीमे रखें, और जो पेस्ट हमने बनाया है उसे इसके अंदर छान करके डाल दें। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्रेवी जो है हमें एकदम स्मूथ चाहिए, बिल्कुल फाइन ग्रेवी चाहिए, कहीं कोई काजू के पीसेस या फिर खड़े मसाले अगर रह जाते हैं तो वो इसमें निकल जाएंगे। और थोड़ा पानी और डाल देंगे, मिक्सर जार को क्लीन कर लेंगे पानी डाल करके, और इसे ढक करके जब तक कि हमने जो घी डाला है वो अलग सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हमें इसे पकाना है। तो आप इसे ऑयल में बनाइए, घी में बनाइए, बटर में बनाइए, लेकिन घी और बटर में जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो धीरे धीरे अच्छे से पकती जा रही है, इसमें से जो घी डाला है वो रिलीज़ होने लगा है, और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे क्योंकि काजू है तो थिकनेस होती है तो वो चिपक सकता है कढ़ाई में। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर या टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और ग्रेवी को अब धीमे आंच पर 8 से 10 मिनट के लिए पकने दें। और साथ में यहाँ पर अब हम डाल देंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून जितनी चीनी। चीनी से बहुत ज़्यादा मिठास नहीं आएगी, एक हल्का सा स्वीट बैलेंस हो जाएगा। और कसूरी मेथी डाल देंगे, तो यहाँ पर 1/2 चम्मच जितनी कसूरी मेथी मैंने डाली है। तो कसूरी मेथी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर डालें इसे, इसे स्किप ना करें। ये किसी भी जनरल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। और ये देखिए हमारी एकदम शाइनी ग्रेवी जो है वो बन के तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसमें ऊपर से और बटर भी डाल सकते हैं। तो इस ग्रेवी का इस्तेमाल आप और भी सब्जियां बनाने के लिए कर सकते हैं, पनीर बटर मसाला बना सकते हैं, इसमें मटर पनीर बना सकते हैं। तो ये बेस हमने बना लिया है, और इसके अंदर अब हम यहाँ पर पनीर को घिस के डाल देंगे। पनीर लबाबदार है तो पनीर अच्छी क्वांटिटी में इसके अंदर होना चाहिए, पनीर डालने में बिल्कुल भी कमी ना रखें, नहीं तो टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। और इसे एक बार मिक्स कर लेना है, और लास्ट में इसके अंदर अब हमें डालने हैं पनीर के पीसेस। तो जब आप इसे सर्व करने वाले हों उसी टाइम पर डालें, और अगर आपको लग रहा है कि ग्रेवी गाढ़ी हो गई है तो थोड़ा पानी डाल के पतला कर लें, बॉयल कर लें, उसके बाद इसमें पनीर के पीसेस डालें और 1-2 बॉयल ले लें, बहुत हल्के हाथों से इसे चलाएँ, नहीं तो जो पनीर है वो टूट जाएगा।
तो ये ध्यान रखें और इसे ऊपर से लास्ट में इसके ऊपर फ्रेश क्रीम डाल दें। आप नॉर्मल घर की मलाई भी डाल सकते हैं फेंट के, या फिर बाजार से फ्रेश क्रीम डाला करके वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए कितनी शाइनी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। ऑयल बटर जो भी हमने डाला है वो अच्छे से इसमें रिलीज़ हो गया है और एकदम स्मूथ ग्रेवी होनी चाहिए। तो आपकी पनीर लबाबदार की जो टेस्टी सी सब्जी है वो बनके तैयार हो गई है। रोटी, फुलके, नान, किसी के भी साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। ऊपर से पनीर ग्रेट करके डालना ना भूलें। तो ट्राई ज़रूर करिएगा रेस्टोरेंट स्टाइल इस रेसिपी को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर watching।